अस्सलाम वालेकुम, मैं गुलाम मुस्तफा स्लम स्टेट एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से। आज मैं प्रिसन वन में मौजूद हूँ और आपको हमारी ये कंस्ट्रक्शन साइट का विज़िट करवाते हैं। मैंने काफ़ी बार आपको हमारे नंबर ऑफ़ विलाज का विज़िट करवाया, उनका इनसाइड टूर भी करवाया विला का, हमने मटेरियल भी डिस्कस किया, हमने फ्लोर प्लान और लेआउट को भी डिस्कस किया और इसी तरीके से हमने अपने ग्रे स्ट्रक्चर विलाज का भी आपको विज़िट करवाया। आज मैं आपको एक ऐसे विला का विज़िट करवाने जा रहा हूँ जो अभी अपनी बहुत ही इनिशियल लेवल पे है, जो कि कंस्ट्रक्शन के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज़, बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेज समझी जाती है। तो ऐसे विला का आपको विज़िट करवा रहा हूँ। 250 स्क्वायर यार्ड का कॉर्नर का यह विला है और ये इस टाइम पे अपनी फाउंडेशन फेज़ में है, जिसे हम उर्दू ज़ुबान में बुनियादें कहते हैं। तो बुनियादें बनाते वक्त और फाउंडेशन के काम के वक्त, फाउंडेशन के स्टेज के वक्त किन बातों का ख्याल रखा जाता है और इसमें क्या क्या प्रोसीजर होता है, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो 250 स्क्वायर यार्ड का ये विला है और सबसे पहली जो स्टेज होती है, आपने बहरिया टाउन से डॉक्यूमेंटेशन डिज़ाइन चार्जेस पे करने हैं। डिज़ाइन चार्जेस के बाद दीगर जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है वो करवाने के बाद आपको एक NOC दी जाती है, जिसमें प्लॉट की एक्सक्वेशन करते हैं विला बनाने के लिए। एक्सक्वेशन होने के बाद उसके बाद फिर उसकी लेवलिंग की जाती है, प्लॉट की कंपैक्शन की जाती है, कंपैक्शन को प्रॉपर उसकी टेस्टिंग की जाती है कि कंपैक्शन प्रॉपर तरीके से हुई भी है या अभी कंपैक्शन जिस लेवल की होनी चाहिए थी उस लेवल की नहीं हुई, और उसके बाद फिर उसका टर्माइट का प्रोसीजर किया जाता है और इसके बाद फिर फर्दर उसकी लीन डाली जाती है। लीन होती है कि एक आपकी कंक्रीट की लेयर डालते हैं और कंक्रीट की लेयर के ऊपर फिर बहरिया टाउन की टीम फाइनल डिमार्केशन करती है आपकी प्लॉट की। उस फाइनल डिमार्केशन के बाद फिर घर बनाने का प्रोसीजर स्टार्ट होता है। आगे फर्दर फिर डिमार्केशन के बाद उस लीन के ऊपर उसकी ड्राइंग्स आती हैं और डिमार्केशन होती है। घर बनाते वक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज है वो होती है फाउंडेशन फेज, जो आप इस टाइम पे देख रहे हैं। 250 स्क्वायर यार्ड के इस विला की फाउंडेशन स्टेज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। ये फुटिंग है और फुटिंग के ऊपर कॉलम्स स्टार्ट किए जा रहे हैं, कॉलम्स की पोरिंग हो चुकी है और इसी तरह से ये आपको दीवार के साथ दूसरा विला जो बना हुआ है इसके साथ जो आप एक दीवार देख रहे हैं छोटी सी, इसे C2 वॉल कहते हैं। ये ओवरऑल पूरे जो बाउंड्री घर की होती है उसके पूरे चारों तरफ घूमती है और इसी तरीके से डिफरेंट लेवल पे आपको ये फुटिंग और आपको कॉलम्स नज़र आ रहे हैं। अब ये जो फुटिंग है, जैसे ही ये पोरिंग होती है, पोरिंग के बाद फिर इसकी क्यूरिंग की जाती है और उसके बाद फिर यहाँ पे इस पे बिचुमन का कोट लगाया जाता है। जो इस स्टेज के बाद नेक्स्ट जो स्टेज है वो बैकफिल होगा और बैकफिल कहते हैं मिट्टी डालने को। इसमें बैकफिल के बाद फिर आगे ओवरऑल इसके ऊपर प्लिंथ बीम जो है वो डाला जाएगा। प्लिंथ बीम की पोरिंग होगी, स्टील बाइंडिंग होगी, स्टील बाइंडिंग के बाद पोरिंग है, पोरिंग के बाद फिर उसकी क्यूरिंग होगी, क्यूरिंग के बाद फिर उस पर भी बिचुमन का कोट लगाया जाएगा और एज़ पर बहरिया टाउन SOPs उनको फॉलो करते हुए फर्दर फिर आगे ग्राउंड फ्लोर की तैयारी की जाएगी। तो ये कुछ वो बेसिक पॉइंट्स थे जो मैं आपको आज दिखाना चाह रहा था। इस फाउंडेशन फेज़ में जो भी स्टील यूज़ होता है वो एज़ पर ड्राइंग स्टील यूज़ किया जाता है। और एक और चीज़ वो ये है कि जैसे डिफरेंट आपको यहाँ पे शटरिंग नज़र आ रही है, आप शटरिंग दो तीन टाइप की होती है, एक लकड़ी की शटरिंग है, उसके बाद एक शीट लेमिनेटेड शीट्स की शटरिंग होती है, उसके बाद फिर आगे लोहे की शटरिंग भी होती है। तो जो घरों की कंस्ट्रक्शन में अमूमन यूज़ हो रही होती है यही लकड़ी की शटरिंग यूज़ हो रही है। शीट या फिर लोहे की शटरिंग यूज़ करवाना चाह रहे होते हैं तो डेफिनेटली उसकी कॉस्ट कुछ और होती है, तो वो कॉस्ट उस आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐड कर दी जाती है। अब वो कॉस्ट अगर पे करते हैं तो आप जिस टाइप की शटरिंग चाहें उस टाइप की शटरिंग की कॉस्ट पे करके वो शटरिंग भी यूज़ करवा सकते हैं। फर्दर आपका कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन तो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, आप हमारी टीम से रابطہ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।